तकनीकी कर्मचारियों का राजधानी में हल्ला बोल। जेएन के साथ ही तकनीकी कर्मचारियों ने भी शुरू कर रखा है आंदोलन। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले आंदोलन है और इसके तहत प्रदेश भर के कर्मचारियों ने कल से जयपुर में महापड़ाव डाला है। तस्वीरें जरा देखिएगा, पूरे जोश में ये कर्मचारी जगतपुरा में सीबीआई फाटक के पास इकट्ठा। कर्मचारियों ने महापड़ाव डाल रखा है। निजी सेवा प्रदाता कंपनी की कुछ एफआरटी टीमें भी आंदोलन में शामिल हो गई हैं। राज्य कर्मचारियों की तरह बिजली कंपनियों में ओपीएस लागू करने, इंटर डिस्कॉम तबादला नीति समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। तो आर पार की लड़ाई में कनिष्ठ अभियंता इस पूरे मूड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर के कनिष्ठ अभियंता दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार की बात कर चुके हैं और वो कार्य बहिष्कार हो भी रहा है। वेतन विसंगति को लेकर पावर इंजीनियर एसोसिएशन के आह्वान पर आंदोलन और इसके तहत कनिष्ठ अभियंताओं ने मास्क लेव कैंपेन शुरू कर रखा है। अकेले जयपुर डिस्को में कल आधे से ज्यादा जेएन अवकाश पर रहे। हालांकि कनिष्ठ अभियंताओं का आज विद्युत भवन पर प्रस्तावित था महापड़ाव, लेकिन किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए कार्यक्रम को बदल दिया गया। अब मास्क लीव कैंपेन को ही प्रदेश भर में यथावत रखने का ऐलान किया गया है। अभियंताओं के सामूहिक अवकाश पर जाने से कई जगहों पर आपूर्ति में खलल पड़ रही है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में लोग आपूर्ति में व्यवधान से काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अभी अपडेट जान लेते हैं कि फिलहाल आज दूसरे दिन की तस्वीर क्या नजर आ रही है। आर पार की लड़ाई में मूड में नजर आ रहे हैं कनिष्ठ अभियंता और बाकी जो कर्मचारी हैं उनका भी साफ उनकी मंशा है कि आंदोलन तो हम जारी रखेंगे। विकास, आज की क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल, देश भर में पिछले अगर बात करें दो दिन से तो बिजली कर्मचारी कार्मिकों का जो आंदोलन है वो आम जन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां कनिष्ठ अभियंताओं ने मोर्चा खोल रखा है, उन्होंने सामूहिक लीव जो है वो कल उन्होंने ली थी और कल कह सकते हैं व्यापक असर भी देखने को मिला। तकरीबन 50-60% अभियंता कनिष्ठ अभियंता ऐसे थे जिन्होंने मास्क लीव ली और ऑन रिकॉर्ड ये दर्ज हुआ कि इतने अभियंता मास्क लीव पर है। उसका सीधा असर कल देखा आपने, प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत कई जगहों पर बिजली आपूर्ति में व्यवधान आया। कल जिस तरह से झुंझुनू के अंदर सिस्टम ओवरलोड हो गया और उसके बाद में उसका सीधा असर जयपुर में हीरापुरा स्थित 400 के बीच जीएसएस में पड़ा, जहां से पूरे जयपुर में तकरीबन 25-30% इलाका जो है एकदम से ब्लैकआउट की स्थिति में आ गया और करीब 1 घंटे के बड़े प्रयास के बाद जाकर बिजली आपूर्ति सुचारू हो पाई। इसी तरह दूसरी बात करें कनिष्ठ अभियंताओं के साथ ही तो तकनीकी कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल रखा है। प्रदेश भर के तकनीकी कर्मचारी और अन्य स्टाफ जो है वो भी जयपुर में महापड़ाव डाले हुए हैं। उनकी जो मांग है, उनकी मांग है कि जो राज्य कर्मचारियों के अनुरूप उनका जो पैसा लिया जा रहा है ओपीएस को लेकर के वो नहीं लिया जाए, राज्य कर्मचारी के हिसाब से ही उनका ओपीएस लागू की जाए। इसके अलावा इंटर डिस्कॉम तबादला नीति जो है वो लागू की जाए। इसके अलावा और 13 सूत्री मांगों को लेकर आप देख सकते हैं विश्वास के अंदर सैकड़ों की तादाद में तकनीकी कर्मचारी जयपुर में जगतपुरा में एकत्र है। वो आर पार की लड़ाई का उन्होंने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। इन दोनों आंदोलनों के चलते डिस्कॉम प्रशासन, खासतौर पर जयपुर डिस्कॉम और अन्य जो डिस्कॉम से जो सीधे डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके लिए बड़ी चुनौती हो गई है निर्बाध बिजली आपूर्ति और साथ में पूरा सिस्टम जो है उसको मैनेज रखना। विकास, वैसे तो मुख्य मांगे हैं इनकी कई, लेकिन एक है कि राज्य कर्मचारियों की तरह बिजली कंपनियों में ओपीएस लागू कर दिया जाए, कितना फायदा होगा इससे इनको? देखिए, बिल्कुल ओपीएस मैं आपको अपडेट कर दूं, ओपीएस जो है बिजली कंपनियों में लागू कर दी गई है, लेकिन उसमें कर्मचारियों से उनका जो उनका अंशदान है वो कर्मचारी से लिया जा रहा है और इसके पेटे प्रत्येक कर्मचारी से 2 लाख से लेकर के 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक की वसूली के नोटिस जारी हो चुके हैं, जिससे कि कर्मचारी में रोष है। उनका कहना है कि उनका जो पैसा जमा है जीपीएफ में वहां से वो पैसा एडजस्ट किया जाए। हालांकि डिस्कॉम प्रशासन ने इसको लेकर के कल एक डिस्कशन भी किया था और उसमें बात की थी कि 4 किस्तों के अंदर कर्मचारी से पैसा लिया जाए, जब उनका जीपीएफ का पैसा आता है तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन ये जो पेचीदगी है फंड के ट्रांसफर की या पैसा देने की या लेने की, तो उससे कर्मचारियों में रोष है। उनका कहना है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिस तरह कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों का ओपीएस लागू की है उसी तरह से हमारी भी ओपीएस लागू की जाए और उसी को लेकर के बड़ा आंदोलन जो है बिजली कर्मचारियों को खड़ा कर रखा है। आप देखते हैं कि तकनीकी कर्मचारियों की जो तादाद है आपको विजुअल्स में देखने को मिल रही है हमारी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से सैकड़ों की तादाद में प्रदेश भर के तकनीकी कर्मचारी यहाँ आंदोलन में मौजूद है। और इसके साथ मैं अपडेट कर दूं, जो निजी सेवा प्रदाता कंपनी की जो एफआरटी पार्टियां हैं उनके जो कर्मचारी हैं वो भी कुछ कर्मचारी जो है आंदोलन में शामिल हुए हैं, जिसका सीधा असर कह सकते हैं
जो बिजली आपूर्ति में व्यवधान आने पर जो सुधार होता है, मेंटेनेंस का काम भी रुकती है, उन पर सीधा असर पड़ेगा, जिसका अगर ये लंबा आंदोलन चिकित्सा है तो सीधे तौर पर इसका असर बिजली आपूर्ति व्यवस्था में व्यवधान को भी देखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए।